क्या आपको पता है दोस्तों जो रेसिपीज़ मैं अपने चैनल पर डालती हूँ बहुत इजी होती हैं और ये बिगनर्स भी बड़े आसानी से बना सकते हैं तो ये रेसिपी प्रोटीन से भरपूर है ये मैंने सोया ग्रैनुल्स लिए हैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है दो से पाँच मिनट के लिए हम भिगो के रखेंगे इसको जिससे कि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए तो पाँच मिनट बाद हम इसका पानी निकाल देंगे और हाथों से मतलब इसको थोड़ा सा प्रेस कर देंगे और इसका पानी निकाल देंगे तो ध्यान रहे कि पानी अच्छे से निकालना है और इसमें पानी नहीं होना चाहिए नहीं तो हमारी जो रेसिपी है ना वो ठीक से नहीं बन पाएगी तो ये देखिए मैंने पानी निकाल दिया है इसमें इंग्रेडिएंट्स मिलाएंगे तो इसमें मैंने बारीक कटा हुआ प्याज भी डाल दिया है हरी मिर्च डाल दी है और दो आलू भी ऐड कर हैं बाइंडिंग के लिए और इसके बाद अगर आपके पास हरा धनिया आए तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे तो मसाले में थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर नमक और हल्दी पाउडर भी है, इसमें हम ऐड करेंगे अब इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर डालेंगे और इसके बाद हम इसमें गरम मसाला भी ऐड करेंगे गरम मसाला ऐड करने के बाद हम इसमें चाट मसाला भी ऐड करेंगे चाट मसाले से जो हमारी रेसिपी है ना उसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है तो इसलिए बस थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करें और इसके बाद हम इसको हाथों से मैस कर लेंगे तो आलू को भी अच्छे से मैस कर ले और ये आलू हमारी जो रेसिपी है उसमें बाइंडिंग का काम करता है तो इसी तरीके से हम मैस कर लेंगे मैस करने के बाद जब ये अच्छे से मैस हो जाएगा ना और इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है और मैस करने के बाद इसको टिक्की शेप दे देंगे तो थोड़ा थोड़ा ले लें आपको जितने बड़े साइज़ की छोटे साइज़ की बनाना आप उस हिसाब से इसकी टिक्की बना दें तो इसकी मैं चार टिक्की बनाऊंगी तो हाथों से आप अच्छे से प्रेस करेंगे तो आपकी टिक्की आसानी से बन जाएगी तो ये देखिए कितनी परफेक्ट टिक्की बनी है ना इसी तरीके से हम सारी टिक्कियाँ तैयार कर लेंगे और इसके बाद हम तवे पे इसको थोड़ा सा ऑयल डाल के सेक लेंगे तो ये मैंने तवा गरम कर लिया है इसमें ऑयल भी डाल दिया है हवा में टिक्कियाँ रखेंगे इसी तरीके से रख देंगे थोड़ा सा ऑयल में डिप करके और साइड में कर दें जिससे कि एक साइड से अच्छे से सीख जाएगी हमें बहुत ज़्यादा ऑयल बिल्कुल भी नहीं डालना है हम कम से कम ऑयल में इसको बनाएंगे तो सिकने के बाद जब दूसरी मतलब एक साइड से ब्राउन कलर जैसे इस तरीके से आ जाए ना तो इसको पलटा देंगे तो दूसरी साइड से भी हमें ब्राउन कलर लाना और दोनों साइड से अच्छे से सिक जाएंगे तो बस हमारी जो टिक्की है वो बिल्कुल बन के तैयार हैं और ये हेल्दी टिक्की है और आप प्रोटीन से भरपूर भी हैं अगर आपको जैसे प्रोटीन चाहिए तो आप इसी तरीके से नई नई वैरायटी में से आप प्रोटीन ले सकते हैं नई नई रेसिपी बना के भी आप ले सकते हैं तो आपको खाने में भी अच्छा लगेगा नहीं तो ऐसे होता है ना हेल्दी खाना होता है तो लोगों को पसंद नहीं आता तो आप इसी तरीके से अगर थोड़ा सा चेंज करके रेसिपी बनाएंगे तो आपको बहुत पसंद आएगा तो आपको हेल्दी भी पता भी नहीं चलेगा कि ये हेल्दी रेसिपी है क्या होता है ना दोस्तों लोगों को हेल्दी नाम सुनते ही ऐसे लगता है कि इसमें टेस्ट नहीं होगा पर ये हेल्दी रेसिपी है वही मैं बोल रही हूँ आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये हेल्दी रेसिपी है और टेस्ट भी इतना अच्छा आएगा तो बस हमारी टिक्की बिल्कुल बन के तैयार है अब हम इसको ऊपर से थोड़ा सा सॉस डाल देंगे तो आप इस तरीके से इसको सर्व कर सकते हैं तो हम मसूर की दाल बनाऊंगी तो ये धुली हुई मसूर की दाल है इसको हम पानी से धो लेंगे इसके बाद मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल लिया जब अच्छे से गर्म हो जाएगा ना तो इसमें मैंने थोड़ी सी राई ऐड कर दिया है और इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा जीरा ऐड करेंगे तो जब ये चटकने लगेगी ना हमारी राई तो उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा प्याज और हरी मिर्च ऐड कर देंगे और इसके बाद हम थोड़ा सा मतलब भून लेंगे जब तक कि हमारी जो प्याज है सॉफ़्ट ना हो जाए थोड़ा सा कलर चेंज ना हो जाए तब तक हमें इसको भूनना है तो अब हमारी प्याज का कलर भी चेंज हो गया थोड़ी सी भुन भी गई है तो इसके बाद हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे टमाटर ऐड करने के बाद इसमें मस, हम कुछ मसाले डालेंगे तो मसाले में हमने धनिया पाउडर लाल मिर्च पाउडर हल्दी पाउडर और नमक ऐड किया है जो सिंपल मसाले होते हैं ना वही हमने ऐड किए हैं तो थोड़ा थोड़ा इसमें डाल दें नमक ऐड करने से जो हमारे टमाटर हैं एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे और थोड़ा सा सॉफ्ट होने के बाद इनको इस मतलब स्पून की हेल्प से मैस कर दें तो हमारे टमाटर अच्छे से मैश हो गए हैं इसमें हम दाल ऐड कर देंगे ये मसूर की दाल है ये झटपट पक जाती है आप इसमें कढ़ाई में, में बनाओगे ना तो 10 मिनट के आराम से मतलब पाँच सात मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा दस मिनट ही लगेंगे इसमें आपको पकने में अगर आप कुकर में बनाओगे तो ये बहुत ज़्यादा मैस हो जाती है तो इसलिए कोशिश करें कि आप इसको कढ़ाई में बनाएं इसको हम ढक के पकने देंगे स्लो मीडियम फ्लेम पर और उसके बाद पाँच से सात मिनट बाद आप चेक करेंगे देखिए हमारी दाल बिल्कुल तैयार है थोड़ी थोड़ी सी ना ये खिली खिली भी बनिया आपको कर मैं आप ट्राई करना एकदम मैस हो जाती है ये वाली दाल ना अब मैं आपको हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाना बता रही हूँ ये प्रोटीन से बहुत भरपूर है अगर आप जिम जाते हैं या ऐसे भी आप खाना चाहते हैं तो सुबह आप हैवी सा एक ब्रेकफास्ट ले लें तो ये मैंने दूध लिया है दूध में ओट्स डाल दिए हैं ओट्स डालने के बाद हम इसमें दो खजूर जो होते हैं ना डेट्स वो हम इसमें ऐड करेंगे क्योंकि ये वाले जैसे डेढ़ से ऐड करने के बाद ना हमें मीठा बिल्कुल भी ऐड नहीं करना इसमें ही इतनी मिठास होती है ना तो आपको ज़रूरत भी नहीं है मीठा ऐड करने की अगर आप बहुत ज़्यादा खा मीठा खाते हैं बहुत मीठा वाला खाते हैं तो फिर आप इसमें थोड़ा सा चीनी या गुड़ डाल सकते हैं और डालने के बाद आप मीडियम फ्लेम पर इसको पकने दें देखिए पकने के बाद ये आप देखेंगे दो दो मिनट ही लगेंगे आपको झटपट नाश्ता बिल्कुल तैयार हो जाएगा आपका तो एकदम गाढ़ा हो जाएगा और इसके बाद हमने एक बाउल में डाल दिया है इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं भीगे हुए आप चाहें तो इसको छील के भी डाल सकते हैं और जो सीड्स हैं ना वो भी मैंने मतलब आधे घंटे पहले ही भिगो के रखे थे पानी में डाल दिए थे तो इस तरीके से हो गए हैं इसको इसको भी हम ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे तो बस हमारा हेल्दी ब्रेकफास्ट बिल्कुल बन के तैयार है और ये कितना झटपट भी बन जाता है ये बहुत हेल्दी है और टेस्टी भी लगता है अगर आपको रोटी बनाना नहीं आता ना तो ये वीडियो आपके लिए है तो कैसे हमें रोटी बनाना है ये बिगनर्स के लिए है और उसके टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बताऊंगी तो सबसे पहले हमने जो डो लिया है उसकी लोई बना लें और इस तरीके से हाथों से फैला दें अगर आप हाथों से फैलाओगे ना तो आपकी रोटी एकदम जल्दी भी बन जाएगी और एकदम गोल भी बनेगी तो ऐसे आटा लगा लें अच्छे से अच्छे से आटा लगाने के बाद आप इसको हल्के हाथों से बस इस तरीके से बेलते जाएं अगर आप हल्के हाथों से बेलोगे ना तो आपकी रोटी एकदम परफेक्ट बनेगी और चिपकेगी भी नहीं तो डो भी ध्यान रहे कि बिल्कुल अच्छा होना चाहिए बहुत टाइट भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा लूज भी नहीं होना चाहिए तो देखिए हमारी रोटी इतने अच्छे से तैयार हो गई है इतने अच्छे से बन गई है तो अब दो तीन बार प्रैक्टिस करेंगे ना अगर जिसको रोटी नहीं बनानी आती जो बिगनर्स हैं तो आपको आसानी से आ जाएगी तो ये हमारी रोटी भी बन गई है अब हम इसको गर्म तवे पे डालेंगे गरम तवे पे डालने के बाद थोड़ा सा जब ये हल्का सा ड्राई हो जाए तब हम पलटा देंगे ज्यादा ड्राई नहीं करना बस थोड़ा सा ड्राई हो जाए तो हमें पलटा देना और दूसरी बात जब थोड़े से इसमें जो बबल्स उठने लगे उसके बाद हम इसको गैस पे सेक लेंगे आप चाहें तो इसको तवे पर भी सेक सकते हैं तो गैस पे सेक इस तरीके से सेक लेंगे तो देखिए कितने अच्छे से फूल गई है ना हमारी रोटी एकदम परफेक्ट जो गोल होते हैं ना उस तरीके से हमारी रोटी बन गई है और इसी तरीके से आप अपनी रोटियां बना सकते हैं तो जो बिगनर्स होते हैं जो रोटियां नहीं बनाई उनको बहुत मतलब मुश्किल काम लगता है रोटी बनाना बाकी चावल दाल तो आराम से बना ही लेते हैं लेकिन रोटी बनाना उनको बहुत मुश्किल लगता है तो इसी तरीके से आसान तरीके से आप बना सकते हैं तो ये हमारी रोटी बिग ओवन के तैयार हो गई है अब हम इसमें थोड़ा सा घी लगा लेंगे घी लगाने से हमारी जो रोटी है उसका टेस्ट भी एकदम परफेक्ट आता है और थोड़ी सी सॉफ़्ट भी हो जाती है तो इस तरीके से घी लगा के आप इसको सर्व कर हैं तो बस हमारी रोटी बिल्कुल बन के तैयार है दो तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी कैसी लगी अगर अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें